हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। तो नई वैकेंसी मार्केट में आ गई है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की। जी हाँ, आप सही जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। 356 जो वैकेंसी आई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। सो मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि स्टार्टिंग डेट इसकी 22 दिसंबर है दिस मंथ में, और 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट है एग्जाम को फॉर्म को फिलअप करने की। तो इसके रिगार्डिंग कुछ लोगों का अभी मेरे पास मैसेज आ रहा था, सर जो उसका एडवर्टाइजमेंट है उसको डिकोड कर दीजिए, उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जानकारी दे दीजिए कि कैसे कैसे हमें एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, प्रोसेस का पता चलेगा, बाकी इसके बारे में और डिटेल्स में बता दीजिए। सो आप लोगों को क्या काम करना है कि 22 तारीख से पहले अपने पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लीजिए, ताकि आप फॉर्म में जब फिल करेंगे तो आपके पास सारे जो जो आपका सिग्नेचर, ईमेल आईडी और आपके फोटोज हैं, बाकी सारी चीजें रेडी करके रख लीजिए और भी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको करना क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। ये एक भारत सरकार की एक मिनी रत्न टाइप कैटेगरी वन टाइप एक कंपनी है। सो इसके जो होम पेज है, आप होम पेज पे जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको करियर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर करियर का ऑप्शन है, करियर के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जो इस एग्जाम जो होते हैं कंडक्ट किए जाते हैं इस कंपनी में वैकेंसी के लिए, तो उसके जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ हम ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, 364 वैकेंसीज हैं, उसमें 356 वैकेंसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए है और बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी हिंदी राजभाषा है उसके लिए कुछ वैकेंसीज हैं। तो जब आपको इसको क्लिक करेंगे आपको नया एक पेज आएगा, वहां पर आप लोग को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा जो इस एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2020 है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे यहां से तो ये पेज ऐसे खुलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2022 है। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो आपने बता ही दिया था कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वैकेंसी आई है 356 नंबर है, और अभी रिसेंटली जुलाई में ही कंपनी ने फिर वैकेंसी फिल की थी 400 वैकेंसी, और उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, इसलिए लगभग 5 महीने के अंदर ही दूसरी बार नोटिफिकेशन आ गया, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में वैकेंसीज बार भी डिमांडेड है 356। तो इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट है इसको डिकोड करते हैं, इसमें क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि पहले एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो आप लोग एग्जाम को केवल पास तो कर लेते हैं लेकिन बाद में टर्म्स कंडीशन में उलझ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एडवर्टाइजमेंट पढ़ना सबके लिए नेसेसरी है। तो ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो बिल्कुल लगभग सेम ही है पिछले जैसे ही, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, बट एक दो चेंजेस हैं और एक दो चीजों पे इम्पैक्ट करना जरूरी है जिसमें अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, जैसे मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज की है। तो हम हमारा फोकस इस वाले जो वीडियो में है केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वैकेंसी के लिए है। तो इसमें क्या चीज है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 356 है, आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कितने अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी में कितने वैकेंसी है। इसमें 3 वैकेंसी रखी है कैटेगरी सी टाइप के पीए जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन होते हैं उनके लिए। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पोस्ट का नाम दिया गया है, और सबसे बढ़िया बात ये एक फ्रेशर्स के लिए जॉब है, और ये भारत सरकार की टाइप सॉरी ग्रुप बी पोस्ट है। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए मतलब है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको केवल एक एग्जाम क्रैक करना है और आपको इसमें सिलेक्शन मेरिट बेस पे हो जाएगा। ये फ्रेशर्स के लिए है, यानी कि आपके रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस की है वो निल है, आपके पास एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियस है वो अच्छा होगा, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें उसका कुछ फास्ट वर्क पड़े। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी है, एजुकेशन बैकग्राउंड रखा है उन्होंने पिछली बार की तरह सेम रखा है, आप बीएससी यानी बैचलर इन साइंस की डिग्री हो आपके पास, और वो भी फुल टाइम रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, मस्ट है, कंपलसरी है। अगर फिजिक्स से मैथमेटिक्स में कोई एक सब्जेक्ट है तो भी इनवैलिड है, आप इस फॉर्म को फिलअप करने के जो एलिजिबिलिटी है उसको अटेन नहीं कर पाएंगे, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों ही रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई बीटेक ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीई है, कई बहुत सारे स्टेट्स में बीएससी इंजीनियरिंग होती है, तो अगर आपके पास वो डिग्री भी है तो वो भी वैलिड है,
उस वो भी आपकी फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एनी वन ऑफ योर सेमेस्टर। मतलब जो आपके 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल के कोर्स में, तो किसी एक सेमेस्टर में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर्स होने चाहिए। साथ के साथ उन्होंने एक छोटी सी डिमांड और रखी है जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि इंग्लिश का जो प्रोफिशिएंसी है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी इस जॉब में आने के लिए, क्योंकि एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है पायलट्स से, उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तो आपको बेसिक कमांड होनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत मिनिमम जो अपना स्टैंडर्ड रखा है 10+2, कोई ग्रेजुएशन का नहीं चाहिए इसमें, केवल 10+2 और इधर आइदर 10th और 12th किसी एक सब्जेक्ट किसी एक जो 10th और 12th में, यानी कि जिसे मैट्रिक या एसएससी और हायर सेकेंडरी बोलते हैं, उन दोनों में से किसी में भी एक में या फिर दोनों में आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आप उसे पास क्यों हो। तो ये लगभग सभी के पास ये ऑप्शन फिल रहता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई से हो या फिर स्टेट बोर्ड से हो, तो आप किसी बोर्ड से होंगे तो जनरली ये 10th तक तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, अगर आप उसने पास किया होगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ उन्होंने रखी है। सो आप देख पा रहे होंगे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और आपके पास जो फुल टाइम रेगुलर कोर्स में बीएससी या फिर बीटेक इंजीनियरिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके एक सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आप जो 10th और 12th दोनों भी चलेगा, मतलब आप 10th में और 12th में दोनों में आपने इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट आपने पास किया हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जानकारी देखें जरूरी क्या चीज है, इन्होंने एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फिक्स किया है, लेकिन ये मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया केवल और केवल जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उन्होंने रखी है, ये आपकी जो बैचलर डिग्री है आइदर बीएससी हो या फिर इंजीनियरिंग हो, उसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट है, 60। और कई सारी यूनिवर्सिटी में होता है कि 55% पे फर्स्ट डिवीजन होती है, कई सारी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि 68% या 70% पे फर्स्ट डिवीजन होती है। इन्होंने यहाँ फर्स्ट डिवीजन क्राइटेरिया नहीं रखा है, इन्होंने 60% मार्क्स रखे हैं। तो मिनिमम ऑफ 60% मार्क और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर कहीं CGPA ग्रेड सिस्टम चलता है तो वो जो 60% के इक्वल होगा उसको मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। और इन्होंने एक आगे मेंशन भी किया है कि अगर 59.99 भी होंगे आपके मार्क्स तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 60% आपसे ट्रीट नहीं करेंगे, उसे लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा, और आप ये फॉर्म को फॉर्म तो फिल कर सकते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आप ये श्योर करें आपने ग्रेजुएशन में अपने 60% मार्क्स अटेन किए हों, और साथ के साथ ही वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट है, यहाँ पर बताइए आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो इन्होंने रखा है 27 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, और वो भी आपकी मैक्सिमम डेट 21 जनवरी तक हो, यानी कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इन्होंने रखी है 21 जनवरी, उस तक आपकी 27 मैक्सिमम एज हो। हाँ, कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स, और अदर कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स के, जैसे PWD है, कुछ अलग रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए 10 ईयर्स की एक रिलैक्सेशन दिया गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया, 22 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट ईयर 21 जनवरी है। जुलाई में जो वैकेंसी आई थी 400 वैकेंसी, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जैसी एग्जाम डेट, जो भी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट थी उसके लगभग 7 डेज बाद ही उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया था, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तेज रिक्वायरमेंट है इस मंथ। इस बार भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये लगभग फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास अभी मोटा मोटा 2 महीने का टाइम है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कि मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक ये एग्जाम हो जाएगा। और इसमें जो आपका, अब बात करते हैं पैसे की, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव को इन्होंने E1 नाम के, एग्जीक्यूटिव 1 नाम के पोस्ट रखा है। मैं इसको बताता हूँ इन्होंने जो कितना CTC कोट किया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, इस पोस्ट के लिए इन्होंने CTC, यानी कि जो कॉस्ट टू कंपनी बताया है 12 लाख रुपीज बताया है कि आपके पास जो मिनिमम आपके पास ये पोस्ट, जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल आप बन जाएंगे तब आपके पास जो
जो सैलरी के रूप में आएगा और बाकी अलाउंसेस के रूप में आएगा, तो सालाना वो सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी पर एनएम यानी सालाना 12 लाख रुपए यानी मोटा मोटा पर लैख पर मंथ आएगा, मतलब 1 लाख पर मंथ आएगा। अब यहाँ पर उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी है जो उसका पे स्केल है, इन्होंने पे स्केल दिया है और पे स्केल में बताया कि आईडीए इसमें लगेगा, ये एक जो ये 40,000 से रिक्वायरमेंट 40,000 से इसकी बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है, उस पर 3% ही एनुअल इंक्रीमेंट है और ये मैक्सिमम 1,40,000 है इसका बेसिक का जब आप इंक्रीमेंट होते होते, यानी कि अगर आप किसी को प्रमोशन नहीं होता तब भी वो 1,40,000 के रेंज में पहुंच सकता है जो उसका 3% का इंक्रीमेंट लगते लगते, बट ऐसा होता नहीं है। इस वैकेंसी में आपको बहुत अच्छा चांस है, आपको 3-4 साल में आपको प्रमोशंस आपके ड्यू हो जाते हैं और लगभग 4 से 5 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रखी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के साथ इन्होंने बताया है अपने इसमें कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ये जो रखी है इसको इन्होंने काउंट किया गया है ग्रुप बी में, ग्रुप बी पोस्ट है। इसके बाद एक नेक्स्ट पोस्ट है इनकी असिस्टेंट मैनेजर, वो भी ग्रुप बी पोस्ट में आती है। इसके बाद जब आप प्रमोशन होता है तब आप मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो ग्रुप भारत सरकार की ग्रुप ए पोस्ट स्टार्ट हो जाएगी वहां से। यानी कि आप देख रहे हैं आप सेकेंड प्रमोशन के साथ ही आप यहाँ पर जो ग्रुप ए ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू में बन जाएंगे। इसके बाद इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चलता है कि पहले आप सीनियर मैनेजर बनते हैं और उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, उसके बाद डिप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हैं डीजीएम जिसे बोलते हैं, और उसके बाद जॉइंट जनरल मैनेजर बनते हैं, और उसके बाद इन्होंने बताया कि जीएम जनरल मैनेजर बनते हैं जो जनरल एग्जीक्यूटिव में लगभग सबसे ऊंची पोस्ट है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट में आप चले जाते हैं, मतलब हेडक्वार्टर में आप जनरली डील करते हैं तो उसको ईडी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट में आप चले जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के में ईडी पोस्ट होती है, बड़ी पोस्ट है ये और यहाँ तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, सब तो नहीं लेकिन हाँ जो यंग एज में आप ज्वाइन करेंगे वो आप इस पोस्ट तक जा सकते हैं, तो ये अच्छा एक चांस है आपके पास। और उसके बाद बहुत सारे मेरे एक फ्रेंड है वो बता रहे थे कि उनका जो फ्रेंड है वो डायरेक्ट जीएम से इसको भी उन्होंने इस पोस्ट से भी ऊपर जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट वो बन गए हैं। इस जो ये जो मेंबर पोस्ट है प्रमोशन ये इंटरव्यू बेस्ड पोस्ट होती है, इसमें भारत सरकार का जो डीओपीटी विभाग है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो इंटरव्यू लेकर आता है और उसके बोर्ड के मेंबर्स ये लोग बन सकते हैं। तो इतना जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब आप उसको क्रैक करने के लिए उस इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और इसलिए ऐसा हुआ कि वो जीएम के बाद वो ईडी ना बन के ईडी से भी ऊपर बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आगे मौका मिलेगा, ये थोड़ा सा मैंने बताया। इसके लिए आप ध्यान रखिए, आपको पहले टारगेट करना है इस एग्जाम में जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी को फुलफिल करके, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके, उसके बाद उसका एग्जाम पास करना और उसके बाद जो मेडिकल्स और जो दूसरी बहुत सारी चीजें हैं उसको क्लियर करना, सबसे पहले टारगेट हमारा वही है। आप मान सकते हैं कि आपको 1 लाख पर मंथ के आसपास सैलरी मिल जाएगी, इन्होंने यहाँ पूरा बता दिया इसके बारे में। उसके बाद ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे इन्होंने जितनी भी जो भी कट ऑफ डेट रखी है, मतलब आपको कोई भी एलिजिबिलिटी हो आपकी, चाहे वो एज की हो, एक्सपीरियंस की हो या किसी भी और टाइप की एलिजिबिलिटी हो, वो जो एग्जाम को फॉर्म की लास्ट डेट है 21 जनवरी वही रखी है। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये 21 जनवरी से पहले पहले के होने चाहिए, या 21 जनवरी तक के भी चलेगा, बट उससे पहले क्यों तो वेल एंड गुड, क्योंकि लास्ट डेट तक आप मौका मत छोड़िए। किसी का SC ST कैटेगरी का है या किसी का कोई डॉक्यूमेंट है जो पेंडिंग है, जो उसके रिक्वायरमेंट है जिसमें लगेगा, अगर वो आपके पास 21 जनवरी तक है तब आप फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी चीजें बहुत नॉर्मल सी हैं, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। देखो मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने एक जगह मार्क करके लिखा है कि अगर आपके 60% से लेस देन, मतलब 59.99% भी है तो भी उसे लेस देन 60 ही ट्रीट किया जाएगा और आप एलिजिबल नहीं काउंट किए जाएंगे इस पोस्ट को फिल करने के लिए। लेकिन एक अच्छी बात पता क्या लगी मेरे को कि इन्होंने जो 10th और 12th ये जो नंबर्स काउंट किए गए ना 60% ये 10th और 12th में नहीं काउंट किए, ये केवल आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि किसी स्टूडेंट के किसी वजह से 10th और 12th यानी कि जो आपका हायर सेकेंडरी होता है और जो आपका मैट्रिक या फिर SSC होता है, अगर किसी वजह से उसके
उस स्टूडेंट के 60% से कम है फिर भी वो एलिजिबल इस पोस्ट को फिल करने के लिए अगर उसने 60% और उससे ऊपर स्कोर किया है अपने ग्रेजुएशन में। तो अगर वो ग्रेजुएशन 60% से ऊपर किया है, 10th 12th में कम है तो भी एलिजिबल है। बट अगर किसी ने 10th 12th में 60% से ऊपर किया है लेकिन ग्रेजुएशन में 60% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, आप चेक कर लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी को, आप फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए। एक साथ और इन्फॉर्मेशन भी है कि जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा वो केवल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा। अब लगभग सभी जगह प्रोसेस किया जाता है, अभी बाय पोस्ट कहीं नहीं आता, लगभग ईमेल आईडी पर ही सबको दिया जाता है। बट आप डू विजिट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट, उन्होंने मेंशन किया है अपने लास्ट पॉइंट में, उसे हम देखेंगे। यहाँ हम खास बात देखते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक एग्जाम लेते हैं आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसका अभी मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या इसको क्या क्या सिलेबस है। लेकिन खास बात क्या होती है कि वो 2 घंटे का एग्जाम होता है और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप एक चीज सोच रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि अगर आपका दिन बहुत अच्छा होता है तो आप 12 लाख रुपए की जॉब को आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस 12 लाख की जॉब को। सिलेबस ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी जो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया था जुलाई में, उन्होंने ये सिलेबस इस टाइप का रखा, उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होता है, मतलब एक ही जो टोटल पेपर होता है वो 2 आवर्स का ही होता है, 120 मिनट का होता है, लेकिन उसमें 60 क्वेश्चन पार्ट ए में होते हैं, 60 पार्ट बी में होते हैं, जो टेक और नॉन टेक आप मान सकते हैं। तो नॉन टेक वाला पार्ट जो जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह चेक की जाती है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह चेक कर लिए जाते हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह, वो आपके पार्ट ए में है। और पार्ट बी उसमें आपका जो इन्होंने बताया ना मैथ्स और फिजिक्स आपका होना चाहिए, तो मैथ्स और फिजिक्स के जो 10+2 का लेवल है, यानी कि जो आप इंजीनियरिंग के एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो देते हैं, मैंने 10+2 लिखा है, बट इसको आप मान के चलिए जो आप जो जेई के एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग को, जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं, या फिर बीएससी जो बच्चे ने किया है, उस बीएससी में जो वो लोग अपना फर्स्ट ईयर में जो बीएससी के मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये उस लेवल के एग्जाम में कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों का परसेंटेज 50-50% है, यानी कि अगर किसी का टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा कमजोर भी है बट नॉन टेक में अच्छा है तो भी स्कोर कर लेगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं बनती, जो 120 में जितने भी ज्यादा स्कोर करेगा वो मेरिट में टॉप पर होगा। इस बार का जो कट ऑफ किया था लगभग, जो अलग अलग अगर नॉर्मलाइज कट ऑफ देखें तो लगभग 105 के आसपास चला गया, 120 में 105 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है बट उसमें नॉर्मलाइज फैक्टर का भी फर्क पड़ा है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास 100 अगर आप स्कोर लेके आ रहे हैं अपने टेस्ट में, तब आपके पास फुल चांस है इस 12 लाख की जॉब को पाने के लिए, यानी कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 120 में से आपको लगभग 100 नंबर्स लेके आने हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये ऐसे जो जो उसका सिलेबस है वो इतना इजी सिलेबस है कि लगभग आप हर एग्जाम की, कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो वो पार्ट ए तो पढ़ ही रहा होगा और पार्ट बी भी उसमें उसने कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उसने पढ़ा है, क्योंकि अगर उसने इंजीनियरिंग की है या बीएससी की है तो वो ये पार्ट पहले से पढ़ चुका है। तो आप अपने जो अपने सिलेबस है उसको देख के उसको रिवाइज कीजिए। सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं, लगभग आपका फरवरी में टेस्ट हो सकता है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए इसके अकॉर्डिंग। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल रहेगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं रखा गया है, सबसे अच्छी बात यही है। बैक टू द एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने अपना सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो भाई आपकी मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट के बाद ये लोग आपके लिए आपको कॉल करेंगे फॉर वॉट, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, और आपको एक टेस्ट कराया जाएगा साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का, और उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ही तो लगभग हर डिपार्टमेंट में होता है। तो यहाँ 2 चीजें आपने नहीं देखी होंगी, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ही तो सब जगह होता ही है, एक होता है वॉइस टेस्ट और एक इन्होंने बताया है कि आप कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, और उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है कि लगभग 6 टाइप का, अगर एक्चुअली ये अगर सीधी सी बात में कहूँ, अगर ये आप लोगों ये कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट ये कंज्यूम कर रहा है और अगर उसने टेस्ट में नेगेटिव टेस्ट नहीं लेके आया, मतलब पॉजिटिव रहा इन टेस्ट में जो उसका टेस्ट कराया जाएगा, तो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल आफ्टर क्वालिफाइंग द सीबीटी टेस्ट आल्सो।
वो उनको बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा गया है कि ये अगर टेस्ट में अगर आप फेल होते हैं तब आपका कोई चांस नहीं है, भले ही आपने टॉप भी किया हो एग्जाम। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, जो हम मतलब जो आजकल के स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उसको नशे की लत लगने लगी है, और वो जो अफीम गांजा आपने सुना होगा है ना, ये लगभग उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो मैरिजुआना होता है, गांजा होता है, कोकीन है, या फिर एम्फिएट्स हैं, ओपिएट्स हैं। तो ये अगर टाइप का कोई कंज्यूम कर रहा है, इसमें खास बात यह है कि अल्कोहल इसमें नहीं मेंशन किया गया, लेकिन अगर अगर कोई इस टाइप का जो नशा जो कर रहा है, और उसका जब उसका ये टेस्ट जो होता है, ये यूरिन बेस्ड टेस्ट होता है, यूरिन से सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें आप कंफर्म पाए जाते हैं कि आपने पॉजिटिव है आपका टेस्ट, तब आपको इस एग्जाम के प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज इसमें होती है वॉइस टेस्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें आप लोगों का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से काम होता है वो स्काई को सेफ करना होता है। पूरे एविएशन में स्काई को सेफ करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने वॉइस से कमांड देते हैं पायलट्स को, और पूरे जो पायलट्स और कमांड्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं पायलट को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि इसमें वॉइस का एक बहुत मैटर है, कि अगर आप किसी स्टूडेंट की, किसी कैंडिडेट की स्टैमर्ड वॉइस है, इसमें कुछ इश्यू है, तो हो सकता है वो ही और शी विल बी अनफिट फॉर दिस जॉब। तो इसलिए एक वॉइस टेस्ट भी किया जाता है। ये जनरली लगभग मेरे अकॉर्डिंग तो 100 में से लगभग 100 ही या फिर 99.9% पास कर लेते हैं। किसी को कोई अगर इश्यू है उसके वॉइस के साथ तो ही उसको कुछ ऐसा चांस है, अदरवाइज कोई नर्वस है कुछ है तब भी उस बेसिस पे वो टेस्ट क्रैक कर सकता है। ये इसके लिए भी मैंने आपको बताया है, अगर ये किसी के पास इश्यू भी है तो वो कैसे चेक कर सकता है कि क्या वो टेस्ट पास कर सकता है कि नहीं, मेरा वीडियो उस पर जरूर देखिए। ये दोनों पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वॉइस टेस्ट पे भी और साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट पर भी, तो वो डिटेल वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, यानी कि ये जो वॉइस टेस्ट है, ये जो सब्सटेंस साइकोएक्टिव सब्सटेंस है, इसका कोई मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे। एक और बात यहाँ पे जानना जरूरी है, जब ये नेगेटिव रिपोर्ट आएगी वो कंपलसरी है उस नेगेटिव रिपोर्ट को उसके साथ रखना, आप जो नेगेटिव रिपोर्ट आपकी साइकोएक्टिव सब्सटेंस की आएगी, क्योंकि वो ऐसी चीज है। आप जो मेरे जो आजकल के फ्रेंड्स हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आजकल उनके लिए भी, जो ऑलरेडी जॉब में आ चुके हैं उनके लिए भी ये हो गया कि उनको भी रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लिए जाना पड़ता है। और ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस में मैंने बताया आपको, इसमें लिकर यानी कि अल्कोहल उसमें शामिल नहीं किया गया, बट उनको क्या करना होता है कि डेली बेसिस पे रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है अल्कोहल टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट के लिए भी वो अभी जो गाइडलाइन बताई गई है कि 10% एम्प्लॉयज का, यानी कि 10% ATCOs का करना है विद इन द ईयर, यानी कि एक साल में लगभग 10% सारे ATCOs का नंबर आएगा, और वो रैंडम बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इसका आप मान सकते हैं कि किसी का भी टेस्ट आ सकता है। तो ये इसलिए मस्ट है कि आप पहले अगर फेज में ही अगर आपको किसी को पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है तो ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस जॉब। सो आप लोग इसको बहुत ध्यान रखिए कि हम कई बार हमारे खाने पीने का थोड़ा सा हमें पता नहीं होता और उसकी वजह से भी ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो मैंने अपने वीडियो में उस बारे में बात की है, अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा। सम सर्टेन टाइम ऐसा चीजें हो रही हैं कि कुछ आप ऐसी चीजों का कंज्यूम कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में इस टाइप के इफेक्ट्स दे देते हैं कि जैसे आपने ये कंज्यूम किया हो। तो आप वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी उसमें पता चलेगी। साथ ही इस एग्जाम में एक बात ये भी है कि जो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत रिग्रस ट्रेनिंग कराती है, लगभग वो 6-7 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट्स भी आपको देती हैं जैसे पायलट, आपको पता है पायलट के पास एक लाइसेंस होता है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, पायलट जैसे आप कोई नॉर्मल ड्राइवर भी है तो उसके पास एक लाइसेंस होता है, इस तरह पायलट के केस में भी इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी है DGCA वो पायलट को इश्यूज करता है लाइसेंस। इसी टाइप के लाइसेंस अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, जो ये पोस्ट बताई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को, उनको भी ऐसे लाइसेंस अब इशू किए जाते हैं DGCA द्वारा। तो ये लाइसेंस की एक
आप समझ सकते हैं कि लाइसेंस मिलना एक आपके लिए एक प्राइड मोमेंट भी होता है कि आप एक लाइसेंस्ड होल्डर हैं और आप एक ऐसे वैलिड अथॉरिटी हैं जो आप मतलब वर्ल्ड वाइड उसको एक्नॉलेज किया जाता है कि अगर आपके पास एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल का लाइसेंस है। तो इसकी इस ट्रेनिंग इतनी महंगी होने की वजह से और आपको सर्टिफिकेट भी कोर्स कराने के सर्टिफिकेट मिलते हैं जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, उन कोर्स की वजह से ये जो ट्रेनिंग है बहुत महंगी हो जाती है। इसलिए एक कंपनी ने यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किया है कि अब आपको जब इस जॉब को ज्वाइन करोगे तो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कंपनी के साथ। वो बॉन्ड क्या कहता है? वो बॉन्ड ये कहता है कि अगर आपने ट्रेनिंग के बाद 3 साल के अंदर ही जॉब को छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग के बाद 3 साल के अंदर ही जॉब को छोड़ देते हैं तो आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 7 लाख रुपीज वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। और 7 लाख रुपीज ये आप समझ सकते हैं ये ट्रेनिंग का खर्चा ऐड कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि 7 लाख रुपीज एक बहुत बड़ा नंबर है। बट अगर किसी को 12 लाख की जॉब मिल रही है तो वो इतनी जल्दी तो जॉब को नहीं छोड़ेगा, खासकर 3 साल के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर कहीं उसका सिलेक्शन किसी आगे और अपर ग्रेड में ग्रुप ए सर्विसेज में यूपीएससी में कहीं और हो रहा है तब ऑब्वियस है वो छोड़ सकता है, उसके पास वैलिड रीजन होगा। बट मुझे नहीं लगता कि अगर 12 लाख की इनिशियल के फ्रेशर्स को जॉब मिल रही है तो वो इजिली इस जॉब को छोड़ देगा। एक बात और है कि इस पोस्ट के लिए इन्होंने बताया है कि एनीवेयर इन इंडिया, ये द कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू पोस्टेड एनीवेयर इंडिया। आप कह सकते हैं कि यार मैं अगर हरियाणा से हूं तो मुझे साउथ इंडिया में कहीं पोस्टिंग दे दी जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में दे दी जाएगी, या मैं अगर गुजरात से हूं या फिर मैं अगर महाराष्ट्र से हूं तो मुझे हो सकता है जम्मू में, जम्मू कश्मीर में और या फिर बंगाल में कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी तो दूर होगा। बट ऐसा नहीं है, ये आपसे पूछा, ये बताया इन्होंने कि यू आर लायबल टू पोस्ट एनीवेयर इंडिया बट आपसे चॉइस मांगी जाती है ट्रांसफर के टाइम पर, आपसे चॉइस मांगी जाती है और लगभग अगर आपकी पहली चॉइस नहीं तो दूसरी तीसरी चॉइस में तो आपको मिल जाता है और आपके विद इन द स्टेट या नहीं तो नियर बाई स्टेट में आपको इजिली मिल जाता है। तो आप ओवरनाइट जर्नी से 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की डिस्टेंस से आप अपने घर पे पहुंच सकते हैं। तो अब आप किसी भी स्टेट में हो, नए एयरपोर्ट्स अब खुलते जा रहे हैं, काफी नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, मैं अब नई वीडियो बनाऊंगा एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोगों को एयरपोर्ट्स का बहुत कम आइडिया है तो मैं मुझे लगा कि उसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात करता हूं तो उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता, वो ऐसा लगता है कि अभी हमें इस बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरी है। उनका एयरपोर्ट्स का मतलब केवल जो मूवीज में और टीवीज में दिखाया जाता है केवल वहीं तक सीमित है। अब हम टेक्निकल पार्ट की बात भी करेंगे उसके नेक्स्ट वीडियोस में। अब यहाँ देख लेते हैं कि एक जो उन्होंने मांगा गया है कि ऑन सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैंडिडेट शैल आल्सो अटेन आईकाओ लेवल मिनिमम प्रोफिशिएंसी 4। अब ये क्या चीज है ये समझ नहीं आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका डाउट कुछ नहीं है, जो मैंने आपको बताया था आपको एक इन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी है एलिजिबिलिटी में क्या रखा है, आप रेगुलर फुल टाइम डिग्री आपके पास हो, ठीक है, उन्होंने बताया ना रेगुलर फुल टाइम डिग्री आपके पास हो वो तो आपका डिग्री हो गया। लेकिन 10+2 में इन्होंने क्या कहा है, आपके पास इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आपने पास किया हो 10th और 12th में किसी भी उसमें या फिर दोनों में आपके पास इंग्लिश आपने पास किया हो ताकि आपने मिनिमम प्रोफिशिएंसी हासिल की हो, यानी कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश के बारे में जानते हैं और आप इजिली उसको समझ सकते हैं बोल सकते हैं। बहुत फ्लुएंट ना हो तो भी चलेगा लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसका मतलब वही है, मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। जब आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तो वो आपका एक टेस्ट कराएंगी, आपके ट्रेनिंग के टाइम पर वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कि आप लोग इंग्लिश में कितना प्रोफिशिएंट हैं। तो जब उन्होंने बताया आईकाओ लेवल 4, तो लेवल 4 का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 होती है कि अगर आपके पास मिनिमम आपने जो टेस्ट लिया और टेस्ट आपको जो कंडक्ट कराया गया आपने उसमें 4 लेवल मिल गया आपको तो ऑपरेशनल लेवल है, यानी कि आपको हर 3 साल के बाद आपकी वैलिडिटी हो जाएगी, यानी हर 3 साल के बाद आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर लेवल किसी का 1, 2, 3 है तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर, सो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मिनिमम ऑफ 4 और मैक्सिमम ऑफ 6, यानी कि 4, 5, 6 विल बी बेस्ट, 6 विल बी बेस्ट और 4 विल बी मिनिमम टू परफॉर्म ड्यूटी एज ए एटीसी। अगर आपने किसी ने स्कोर अच्छा किया उस टेस्ट में जिसे एल्प टेस्ट कहा जाता है, एविएशन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट,
अगर उसमें अच्छा स्कोर किया, 5 स्कोर किया, तो उसका टेस्ट हर 6 साल माना जाएगा कि मतलब उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और उसको एक अच्छा टाइम के बाद का मतलब 6 ईयर्स के बाद उसको दोबारा से रिविजन कर रही है उसका टेस्ट का। लेकिन अगर किसी ने फर्स्ट टाइम में या फिर किसी भी टाइम पर वो 6 लेवल अटेंड कर दिया तो उसका लाइफ टाइम, वो वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई, यानी कि उसका दोबारा से कभी टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, उसको कभी टेस्ट नहीं जाना पड़ेगा। तो यानी और मिनिमम 4 लेवल जो आपका 10+2 का स्केल है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा समय प्रिपेयर करने की तैयारी बता दूंगा, मैंने एक वीडियो इसके भी बताया है कि कैसे आपको जो ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत लोगों की खासकर जो नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चे हैं जो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, उनके लिए समस्या आती है और उनका एक्सेंट भी बहुत थोड़ा सा उनको इशू करता है जब वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वो कैसे मिनिमम 4 एटलीस्ट लेके आ सकते हैं और उसको, और जो मिनिमम 4 पर है वो कैसे उसको एक्सटेंड करके 5 लेवल पे पहुंच सकता है, 5 और 6 लेवल पहुंच सकता है, उस वीडियो में मैंने वो सब चीज़ें बताई हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि हमने इसके सारे पॉइंट्स पर बात कर ली है। अब देख रहे होंगे 22 दिसंबर का लोगों को वेट होगा, जल्दी से फॉर्म को लीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए। हाउ टू अप्लाई सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल वैसे इसमें अप्लाई करना है। 22 तारीख को जब ओपन हो जाएगा तब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप अपना डिटेल्स फिल करके उसमें फॉर्म को भर देंगे। उन्होंने 2-3 चीज़ें पहले बोली हैं आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो, आपके पास स्कैन कॉपी हो आपके पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ की और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब चीज़ों की, और डिजिटल सिग्नेचर हो आपके पास, तो ये स्कैन कॉपी है अवेलेबल, तो आप फॉर्म इजीली भर पाएंगे। अगर ये पहले से आप अपने पास रखिए, और इस फॉर्म की जो फीस है इन्होंने 1000 रुपीज रखी है। हाँ, ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लगा, लास्ट टाइम भी इनकी इतनी ही फीस थी 1000 रुपीज, बट ठीक है क्योंकि आपको ये वन टाइम पेमेंट करना है और आपको, आप ये मान के चीजिए कि 1000 के बदले आप उनसे 12 लाख रुपए लेने वाले हैं, है ना। तो और सिर्फ 2 घंटे का एक एग्जाम है, उसको उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि लक आपका साथ देता है, तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए। फ्रेशर्स के लिए जॉब है, तो जो फ्रेशर्स जो अपना एविएशन में खास तौर पे और एविएशन इंडस्ट्रीज में अपना आपको साबित करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उसके ग्लैमर का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। खासकर गवर्नमेंट जॉब भी है तो आपके मजा, आपको ग्लैमर प्लस पावर दोनों चीज का मजा मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कीजिए इस पोस्ट के लिए, फिल कीजिए और जल्दी से इस फॉर्म को फिल करने के बाद एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाइए। कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि आप www.aai.aero को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो बता पाएंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया लास्ट टाइम भी इन्होंने 1 वीक के अंदर ही एग्जाम ले लिया। सो आपकी अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, आप इस वेबसाइट को रेगुलरली यूज करें www.aai.aero, उसके जो होम पेज पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा करियर का और वहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो ये जो वैकेंसीज हैं इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा, तो उस अपडेट का फ़ायदा उठाइए और फॉर्म को फिल करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर लीजिए। कोई डाउट हो मुझे फिर से पूछिए। बहुत लंबा भी हो गया वीडियो, लेकिन सारे डिटेल में हमने बात कर ली इसके बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। कोई डाउट हो, क्यूरी हो, तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वे ओपन है। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू देन।